जय जगन्नाथ बंधुगण, आज आम जानवा 8 जून 2022 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसतु सर्वप्रथमें जानवा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 8 जून 2022 बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी, दिवा 8 घंटा 59 मिनिट गति नवमी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ओहरात्र। आज सिंहचंद्र, दिवा 11 घंटा 21 मिनिट गति कन्याचंद्र। आज सांवत्सरिक श्राद्ध नवमीर एकधिष्ट पार्वण। आज शुभ बेला दिवा 7 घंटा 35 मिनिट रु 10 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रात 5 घंटा 10 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 20 मिनिट। आज कर्कट ओ मकर राशि घात चंद्र एवं दिवा 11 घंटा 21 मिनिट गति वृष राशि घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज लाउ खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। किंतु ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आसछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज व्यवसाय क्षेत्र रे धीरे धीरे प्रगति हेबो जहा फळरी आपण मानसिक संतुष्टि अनुभव करिबे। रोजगार रो उत्तम अवसर आपण को प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी मानंक पई शिक्षा प्रतियोगिता रे उत्तम सफलता हासिल करिवार जोग रहिछि। रचनात्मक कार्य जड़ित व्यक्ति को उत्तम सफलता सहित सम्मान मध्य प्राप्ति हेबो। रोजगार स्थिति सामान्य रहिबो किंतु जीवनसाथी सहित संपर्क विषय ध्यान रखंतु एवं वाद विवाद रु दूरे रुहंतु। वाणी रे संयमता बजाय रखिबा लाभदायक सिद्ध हेबो किंतु आवेशरी आसी कोनोसी प्रकार निर्णय नियंतु नहीं अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। छोट भाई भौनिंक सहयोग आपणंक उपरे लागि रहिबो। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिछि। कार्यक्षेत्र रे शिथिलता कारणरु आपणंक मन सामान्य व्यथित रहिबो। कला संगीत ओ साहित्य क्षेत्र रे आपणंक रुचि बढ़िबो किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणंक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणंक व्यवसाय रे किछि उच्च नीचर स्थिति उत्पन्न करिबो। उत्तम लाभ परिणाम पाइबा पई समय अपेक्षा करने को पड़ से आपण किसी चिंतित रही आपणंक व्यवसाय विस्तार पर नुआ कौशल और विशेषज्ञ परामर्श ने जेकोसी असुरक्षित कार्य करने पूर्व भल भाव बुझाणा करनी। पारिवारिक जीवन सामान्य संघर्षपूर्ण एवं छोट छोट कथा कुनी परिवार रे विवाद देखा दे पारे। माता सहित संपर्क तथा तांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। किछि गृह उपकरण खराब हेबा कारणरु गृहर सुख सुविधा रे व्यवधान उत्पन्न हेबो एवं व्यय भार वृद्धि पाइबो। कोनोसी निजो लोक आपणंक विरुद्ध रे षडयंत्र करि परंती। आर्थिक क्षेत्र रे स्थिति किछि चिंताजनक रहिबो। धनर अभाव कारणरु कार्यरे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबो सेथिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओंगं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि सामाजिक क्षेत्र रे आपणंक प्रोत्साहन प्राप्ति हेबो। आपणंक समस्त कार्य सहजरे पूरण हेबो। चाकरी बा व्यवसाय रे दायित्व विस्तार हेबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं गुरुजनंक सहयोग प्राप्ति हेबो। लंबा समय रु चली आसुथिबा समस्यार समाधान मिलिब तथा आकस्मिक परिवर्तनर जोग रहिछि। समाज कल्याणकारी कार्यरी आपण सहयोग करिबे एवं लोके आपणंक प्रशंसा करिबे। आपणंक बाणी प्रभावी तथा चमत्कारिक रहिब। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा
लाभ तथा मानसिक शांति मिलिब। अजा आई तथा गृहर वयोज्येष्ठ स्नेह और आशीर्वाद प्राप्ति हेब। गृहरे कोनोसी मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिबि एवं कोनोसी नुआ कार्य अथवा आयर अतिरिक्त स्रोत खोजिबि। स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिब किंतु खाद्यपेय प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाज्य करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक व्यवसाय रे लाभर स्थिति विकसित हेब। कार्यक्षेत्र रे नुआ अवसर मिलिब एवं आपणक लोकंक सहायता करिवार अवसर मिलिब। लेखन शिक्षा तथा व्याख्यानकर्ता आदि व्यवसायी को विशेष लाभ प्राप्ति हेब। शेयर मार्केट आदि निवेश आपणक लाभप्रद सब्यस्त हेब एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में नेइथिबा रिस्क रु आपण लाभवान हेबे। परिवार रे कोनोसी सदस्यक सहयोग रु आपणक व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेब एवं भविष्यत पई संभावनार नूतन द्वार खोलिब। परिवारजनक साहाज्य सहयोग करिबे। भाई भौनी मार्गदर्शन हासिल हेब एवं संतान पक्षरु मध्य सुखद समाचार मिलिब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु अनावश्यक व्ययरु आपण सतर्क रुहंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु जीवनसाथीक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता खाइबाकु दियंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि चंद्रदेव गोचर आपणक कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करिब। विरोधी और शत्रु को परास्त करिबारे आपण सफल हेबे। जदि कौनसी सरकारी बाद बिवाद लागि रही थाए ताहेले आज विजय प्राप्त करिबे। अन्य लोकंक मामलारे हस्तक्षेप करिबा क्षतिदायक सिद्ध हेब। सेथिपई अजथा बाद बिवादरु आपणक दूरे रहिबा लाभदायक हेब। रोजगार क्षेत्र रे एही गोचर आपणक शुभफलदायक सब्यस्त हेब तथा परिस्थिति उत्तम हेबाकु लागिब। एवं पारिवारिक क्षेत्र रे आपण जीवनसाथी सम्मान करिबे तथा परस्पर मध्यरे प्रेम भाव वृद्धि पाइब एवं महत्वपूर्ण विषय रे परस्पर मध्यरे चर्चा करिबे किंतु कोनोसी संपर्कियंक कथा को नहीं आपण व्यथित रहिबे। प्रेम संपर्क को नहीं मध्य सामान्य चिंता अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे समय उत्तम लाभदायक रहिछि एवं पुरुणा ऋण भाररु मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिब किंतु पित्तजनित रोगरु आपण आराम पाइबे। आज आपण भगवान गणेशंकु दुब अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आपणक द्वादश भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणक रोजगार क्षेत्र रे किछि व्यवधान उत्पन्न करिब एवं आपणक स्वभावरे क्रोधर अधिकता हानिकारक सब्यस्त हेब। चाकरी क्षेत्र रे स्थानांतरणर संभावना रहिछि। जे कोनोसी निर्णय नेबा पूर्वरु भविष्यतर संभावना उपरे भल भावरे बुझिविचारी करिबा लाभदायक हेब। विद्यार्थी मानंकु एकाग्रता बजाय रखिबा पई संघर्ष करिबाकु पड़िब एवं दाम्पत्य जीवन रे सुधार आसिब किंतु प्रेम जीवन पई एही समय अनुकूल नुहे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभर स्थिति सामान्य रहिब किंतु दैनिक व्यवसायी मानंकु उत्तम लाभ मिलिब। शारीरिक रूपरे किछि समस्यार सामना करि परंति। आज आपण ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आज आकस्मिक धनलाभ बा कोनोसी संपत्ति प्राप्ति हेबार संभावना रहिछि एवं आपणक सुख सुविधा रे वृद्धि घटिब। प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास रे आपण व्यवसाय तथा व्यापार को नुआ दिग देबारे सक्षम हेबे। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विस्तार हेब। कोनोसी विदेशी संस्था सहित व्यापारिक भागीदारी पई समय उत्तम हेब एवं रोजगार क्षेत्र रे सफलता मिलिब। कोनोसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। आपणक बंधु मित्र कार्यक्षेत्र रे देखा दउथवा समस्यार समाधान करिबारे आपणक सहायता करिबे। संतान पक्षरु कोनोसी शुभ समाचार आपणक प्रसन्न करिब
एवं संतानंक उन्नति हेब। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साह अनुभव करिवे एवं आर्थिक पक्ष उत्तम अनुकूल रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय रे उत्तम लाभ परिणाम पाई परिवे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं त्वचा संबंधित रोगरु आपण मुक्ति पाइबे। आज आपण तुलसी वृक्षरे जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। बिछा राशि, आज राजकीय क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पाई पदोन्नतिर प्रबल जोग रहिछि। आपणंक दायित्व तथा अधिकार क्षेत्र रे वृद्धि हेबो एवं कारोबार संबंधित यात्रा रो जोग रहिछि। आपणंक कार्यशैली रे एक नुआ चमक आसीबो। पूर्वरु दिया जैथवा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम सुखद आसीबो। ऑनलाइन इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो एवं आपणंक जश सम्मान रे वृद्धि घटिबो। पितांक मार्गदर्शन रे निया जैथवा निर्णय सफल सिद्ध हेबो। माता पिता आपणंक प्रति गौरवान्वित अनुभव करिबे एवं परिवारर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। समस्त क्षेत्र रे आपणंक शुभ समाचार प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे मधुरता लागि रहिब किंतु मित्रंक पक्षरु किछि निराशा अनुभव करिबे। एहा सहित आर्थिक उन्नतिर मध्य प्रबल जोग रहिछि किंतु अर्थ देवानेबारे आपण सावधान रहन्तु एवं पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। कौनसी पुराणा रोग कष्टदायक सिद्ध हेब। आज आपण पक्षींकु दाना खाइबाकु दियंतु, शुभफल पाइबे। धनुराशि, आज आपणंक पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब एवं उत्तम लाभ प्राप्ति हेब। सरकारी कोर्ट कचेरी वाद बिवादर निर्णय आपणंक सपक्षरे रहिब तथा समय आपणंक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य आपणंक समस्त समस्या को दूर करिब। योजनाबद्ध भावरे करा जाइथवा समस्त कार्यरी उत्तम सफलता पाइबे। सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब एवं नुआ कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। कोनोसी पुरुणा बंधुंक सहित साक्षात करिबा आनंददायक सिद्ध हेब तथा सम्बन्धरे प्रगाढ़ता आसिब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब किंतु संतान संबंधित किछि चिंता आपणंकु व्यथित करिब। प्रेम जीवन रे निज उपेक्षा रे नियंत्रण रखंतु। पूर्वरु बकेया दैथवा धन प्राप्तिर प्रबल जोग रहिछि एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था रे आपणंक भितरे एक नुआ स्फूर्ति एवं ऊर्जार संचार हेब। आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु, शुभफल पाइबे। मकर राशि, आज कार्यरे आसुथिबा अवरोध कारणरु किछि मानसिक चिंतार स्थिति उत्पन्न होइपारे एवं आपण निज क्रोधरे नियंत्रण रखिबारे सफल हेबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्रे लाभ मिलिब किंतु शुभ कार्यरे करा जाइथवा निवेश आपणंक लाभर स्थिति को द्विगुणित करिब। आपण निज धैर्य एवं विवेकरे समस्त अटकिथिबा कार्य को पूरण करिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक जीवन रे सामान्य चिंता अनुभव करिबे एवं माता पिता सेवा करिबार अवसर मिलिब। पारिवारिक वातावरण सुखद हेब। जीवन साथीक संपर्क रे मधुरता लागि रहिब एवं प्रेम संबंध रे मध्य संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आपणंक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब एवं पूर्वरु करा जाइथिबा निवेश आपणंकु उत्तम लाभ प्रदान करिब किंतु आखि संबंधित किछि स्वास्थ्य समस्या आपणंकु आजि हैरान करि पारे। सेथिपई स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद नियंतु, शुभफल पाइबे। कुंभ राशि, आज सहकर्मीक करिथिबा उत्तम व्यवहारर फल स्वरूप आपणंकु समस्त प्रकार सहयोग प्राप्ति हेब। आपण निज समस्त कार्यकु सफलतापूर्वक संपन्न करिबे एवं भविष्यत योजनारे विचार विमर्श करिबे। समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे आपण आज सफल हेबे। राजनीति क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक वर्चस्वरे वृद्धि घटिब तथा आपणंक प्रभाव क्षेत्रर मध्य विस्तार हेब। जीवनसाथीक परामर्श आपणंक पई महत्वपूर्ण सब्यस्त हेब एवं आपणंक कार्यरे जीवनसाथीक पूर्ण सहयोग मिलिब। पितांक मार्गदर्शनरु मध्य आपण विशेष लाभवान हेबे एवं बंधु मित्रंक सहित आनंददायक मुहूर्त व्यतीत करिबे किंतु प्रेम जीवनरे
କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଧନର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଔଷଧ ଜନିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।